जम्मू कश्मीर की बात हुई है, अब वादी कश्मीर चलते हैं क्योंकि आतिशजदगी के वाकयात काफी ज्यादा इन दिनों बढ़ने लगे। बिल्कुल, शहर में आतिशजदगी वाद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने ये चीनी नाम जो है, चीनी पीछी जो नाम था, मुझे प्रोनाउंस करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपने बड़ी तेजी, बिल्कुल एक छोटा सा यूरोप का इलाका है और नाम प्रोनाउंस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है पर्टिकुलर इन इलाकों के, और आपने जिस तरीके से किया बड़ी उम्मीद जागी है, बहुत उम्मीद आपसे हो रही है कि अच्छी तरह से आप प्रोनाउंस कर पाते। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मौसम है, विंटर है, हल्की हल्की जो बारिशें तो नहीं है लेकिन ठंड का जो मौसम इस वक्त चल रहा है, इस सारे के बीच जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो, और फिर जो हमारा बिजली का निज़ाम है उस पर हमने बहुत सवाल उठाए, आग की वारदातें कई जगहों पर हो रही है, उसके पीछे भी बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट जो है वो बिजली के निज़ाम की वजह से है। और आग की इस वारदात में जो है हम बात कर रहे थे, ये सीन अगर के डाउनटाउन का नवटा का इलाका है, खानिया नवटा के नज़दीक टांकी मोहल्ला में दौरान सब आग की वारदात और मां हुई है, और इसमें दो रिहायशी मकानों के जो है जलकर खाक होने की खबर है, खाकस्तर होने की खबर है। और यहाँ पे आपको बताएं कि ये कंजस्टेड एरिया, जिस तरह डाउनटाउन का एरिया, ये सारा एरिया जो है दीवार के साथ दीवार, खंबे के साथ खंबा, ये सिचुएशन है डाउनटाउन की, तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल रहता है, अगर छोटी सी चिंगारी भी वहाँ पर बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान का खतरा रहता है। तहम कल जो मुकामी लोगों ने कोशिश की, वहाँ की पुलिस ने, नवटा की पुलिस ने कोशिश की, और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के लोगों ने जो भरपूर कोशिश की रात शाम गए, तो उसकी वजह से ये आग जो है इसको फैलने से रोका गया, अदरवाइज अगर भरपूर और बरवक़्त इस पर काम न किया जाते तो ये आग जो है ये बहुत से इलाकों में फैल जाती, बड़े इलाके में, क्योंकि डाउनटाउन का इलाका है, नवटा का इलाका, और नवटा के इस इलाके में बिल्कुल इसको आमतौर पर कश्मीर में जामा मस्जिद भी कुछ लोग के नाम से जानते हैं, तो ये जामा मस्जिद के इलाके में ये आग जो है ये बहुत ख़तरनाक हो सकती थी, लेकिन भरपूर कोशिश की गई, और इसमें जो फैमिलीज़ हैं लगभग पाँच, क्योंकि डाउनटाउन है वहाँ पे जगह की कमी है, तो एक एक घर में तीन तीन चार चार फैमिलीज़ रहती हैं, तो वहाँ पे लगभग पांच फैमिलीज जो है वो इस आग से मुतासिर हुई है, उन्हें वो बेघर हुई है, ये आसिफ है डाउन टाउन। बिल्कुल, जो अभी तक इतलात हैं, क्योंकि पहले पांच मकानात बताए गए, फिर चार, और हमारे पास जो कंफर्म हो पाया अभी, ज़रूर दो मकानात जो हैं उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, बाकी आसपास के घर भी कुछ मुतासिर हुए हैं। गुलाम कादिर बजाज, गुलाम मोहम्मद गौंडरी, मोहम्मद अयूब, अब्दुल गफ्फार, बशीर अहमद तेली, ये वो हैं जिनके घरों के आसपास ये वाकया जो है वो पेश आया है, और यहाँ पर ये लोग मुतासिर भी हुए। इसके बाद मकामी लोग और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उससे पता चलता है कि कितनी भयानक आग लगी थी, जिसमें दो मकानात मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए हैं। और आग की वजूहात क्या है, शॉर्ट सर्किट है या कोई, जो सलम बता रहे थे, इलेक्ट्रिक गैजेट जिसकी वजह से ये आग शुरू हुई है, हो सकती है ये अभी कंफर्म होना बाकी है। इस पर जैसे मजीद कुछ ऑफिशियल डिटेल्स आएंगी तो आपके सामने रख दी जाएंगी। फिलहाल दो रिहायशी मकानात जो आतिशजदगी के इस वाक़े में नुकसान जिनको पहुंचा है, जामा मस्जिद के बिल्कुल करीब टंकी मोहल्ला जो नोहट्टा के आसपास का है, वहां पर ये इंसिडेंट जो है वो